बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मलाई बूटी ब्रेड रोल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी बनते हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। मगर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन दी है, उसको काफ़ी छोटे टुकड़ों में कर दिया है, 150 ग्राम के करीब। आप 200 से 250 ग्राम भी रख सकते हैं, मगर रेशियो चीज़ों का यही रहेगा। योगर्ट आप लेंगे 4 टेबल स्पून्स, यानी फटा हुआ दही 4 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रीम और मेयोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप मेयोनीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो क्रीम को आप 1 टेबल स्पून ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा और मेयोनीज़ को स्किप कर देगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही थी क्रीम 3 टेबल स्पून के करीब, यानी मैंने 4 टेबल स्पून योगर्ट, 3 टेबल स्पून ऑफ क्रीम लिया है, और आखिर में मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़ 1 टेबल स्पून। फिर मैंने सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून टू टेस्ट। आप डाल सकते हैं ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, और क्रश किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और आधा चम्मच हाफ टी स्पून रेड क्रश पेपर यानी कुटी हुई लाल मिर्च। और इन सब को डालने के बाद मैं अच्छी तरीके मिक्स कर लूँगी। एक इंग्रेडिएंट यहाँ पर स्किप हो गया था, वो मैं एंड में डालूँगी, और वो है चॉप्ड गार्लिक। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड गार्लिक 1 टीस्पून के करीब, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम 10 to 15 मिनट्स रख देंगे। उसके बाद मैंने हीट करा है यहाँ पर ऑयल 2 टेबल स्पून, और उसके अंदर सारा ये मिक्सचर डाल दिया है। 5 से 10 मिनट हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएँगे। और जब ये चिकन, क्योंकि बोलने से बहुत जल्दी गल जाती है, तो ये इतनी सी देर में 10 मिनट के करीब हो जाएगी, और यहाँ पर ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड, उसके चारों साइड्स मैंने कट कर दिए थे, और इसको मैंने रोलिंग पिन से यानी बेलन की मदद से बेल लिया है ताकि ये थोड़े से थिन हो जाए। और जो ब्रेड की साइड्स थी उसके को मैंने कट करके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। और यहाँ पर मैं फिलिंग कर रही हूँ ब्रेड रोल में, और यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मिक्सचर गया है, और इसको मैं रोल कर रही हूँ। आप चाहें तो हल्का सा पानी की मदद से भी लगा के इसको रोल कर सकते हैं, मगर मुझे नीड नहीं थी। और साइड से हम इसको प्रेस कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो चीज़ें हैं वो सील हो जाए इसके अंदर और बाहर नहीं आए आपका जो भी मिक्सचर है। इसके बाद हल्का सा खुला भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोटिंग होगी तो प्रॉब्लम नहीं होती है इतनी। तो यहाँ पर मेरा रोल तैयार हो गया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर फटा हुआ अंडा लिया है, उसमें डिप कर रही हूँ। टोटली कवर करना है इसको अच्छी तरीके से, साइड्स स्पेशली, ताकि खुले नहीं। उसके बाद ये जो मैंने साइड्स कट करके ब्रेड क्रम्स बनाए हैं मिक्सर में, इसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। इसी तरह से सारे ब्रेड रोल्स हम बना के रख लेंगे और अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। इस रेसिपी से 7 से 8 के करीब जो है ब्रेड रोल्स तैयार हो जाते हैं। अब ये देखें, इस तरह का स्टेज आ गया है। इस स्टेज पे हम जो है इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इन सारे रोल्स को हमने मीडियम लो फ्लेम पे शैलो फ्राई करना है। मैंने देखें आधा पैन जो है वो फिलअप किया है ऑयल से, ना हमें ज़्यादा तेल को गर्म करना है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म करेंगे तो अंडा होगा तो जल जाएगा, तो सही से फ्राई नहीं होंगे। और अगर बहुत हल्का रखेंगे तो सारा ऑयल जो है वो ब्रेड और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मीडियम लो फ्लेम पे शैलो फ्राई करना है हमने, और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको पकाना है। तो लीजिए, यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से, बहुत ही क्रिस्पी से तैयार है मलाई बूटी ब्रेड रोल्स। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी अगर आप ट्राई करेंगे और इसको इन्जॉय करिएगा। रमज़ान में अभी थोड़े से दिन बाकी हैं, तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और सब घर वालों को भी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।